चैनल की भी सीना ब्लॉग्स और आज है संडे। हम लोग बहुत ज़्यादा आराम से उठे हैं, 10 बजे उठे हैं। हम पहले उठ गए थे सुबह से, हमें चिल्ला रहे हैं कि तुम इतना लेट कैसे उठे हो। तो अभी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते में मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, इंडियन स्टाइल वाली, मसाले वाली, क्योंकि और मेरे पे शिमला मिर्च वगैरह भी नहीं है। मेरे पे जो है सामान मैं वही बना रही हूँ। तो यहाँ पे पास्ता उबल रहा है, यहाँ पे मैं कढ़ाई गर्म कर रही हूँ। और जैसे ही नाश्ता हो जाएगा हम लोग ये, हमने ना कल बहुत सारे कपड़े धोए थे क्योंकि समर में जा रहे हैं ना। समर के कपड़े हमने ना कल रात को धो दिए थे क्योंकि अभी विंटर्स में ना हम सारे कपड़े पैक कर देंगे इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं मस्टर्ड सीड्स भी डाल दूँगी और इसके बाद प्याज और हरी मिर्च। एक्चुअली मेरे को ना गला बहुत ख़राब है तो प्लीज़ आप उसको माइंड मत करना। और बस इसको हम भून लेंगे और जैसे ही भून जाएगा इसके अंदर हम लोग टमाटर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 2 लाल बड़े टमाटर लिए हैं। उसके बाद जब टमाटर अच्छे से कुक हो रहा होगा उसी बीच मैं डाल दूँगी तीखी वाली लाल मिर्च। अगर इंडियन स्टाइल पास्ता में मिर्च ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। देन हल्दी, हल्दी के बाद थोड़ा सा इसको मैं पानी डाल दूंगी क्योंकि अगर मैंने ऐसे रख दिया तो फिर वो मसाले ना वो हो जाएंगे, जल जाएंगे। मुझे मसाले जलाने नहीं है तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया। यहाँ पे ना यश खुशहाली को देखो, ये ने सज़ा मिली है बाहर बैठने की और लेट उठने की। तो बस यहाँ पे जैसे ही टमाटर मेरा गल गया मैंने उसको अच्छे से करछी से और ज़्यादा अच्छे से मैश कर दूंगी। और मैश करने के बाद इसको एक पेस्ट टाइप का फॉर्म हो जाएगा ना जैसे, तब मैं इसमें डालूंगी अपना मैक्रोनी। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मैक्रोनी बनाई है, मैंने इसका पानी स्ट्रेन कर दिया था। और फिर इसके बाद इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। इसके अंदर मैंने मैगी मैजिक मसाला के 2 पाउचेस भी डाले हैं। तो अब मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी 2 पैकेट मैगी मैजिक मसाला। और ना आपको जैसे एक डालना तो आप एक भी डालो, नहीं भी डालने का मन तो कोई बात नहीं क्योंकि ना इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इवन जब मैं छोटी थी ना तब मेरे पापा मैक्रोनी बनाते थे, मतलब मेरी मम्मी नहीं बनाती थी और वो यही रेसिपी बनाते थे और वो बहुत अमेजिंग थी। उसके बाद मैं डालूँगी ये धनिया एकदम एट द पॉइंट काट कर, क्योंकि मैं ना वैसे चॉपिंग नहीं करती हूँ, जैसे सब कुछ काट के पहले से रख लिया, मैं साथ के साथ ही काटती रहती हूँ जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ होता है। तो बस इसकी फ्रेशनेस के लिए मैंने इसे एकदम लास्ट में डाला है। पास्ता मेरा बन चुका है और बस मैं खाऊंगी और फिर नहाने जाऊंगी और फिर अपना अच्छे से व्लॉग और बनाऊंगी आगे। एक्चुअली ना संडे ना तो फिर यहाँ पे इतना बातचीत करे जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता आ चुका है और ये है मेरी न्यू प्लेट। मेरी वो वाली प्लेट ना टूट गई थी तो मेरे मम्मी ने ना कल हमारे एक प्लेट खरीदी है, तो अब मैं इसी में खाना खाऊंगी। और ये चाय, मुझे ग्लास में चाय पीना पसंद है, या फिर ये कह लो कि जब मेहमान आते हैं तो फिर उनके लिए कप निकलते हैं। और फेस्ट में जाने के बाद ना मैंने वो भी नहीं पहने अभी तक कान के, तो पहले चाय लेते। तो अब हम खाते अपनी मस्त मैक्रोनी। मैं मैक्रोनी का फर्स्ट बाइट खाने जा रही हूँ। बहुत सही बना, मम्मी का ना वो होता है गीला गीला था, मैंने इस बार थोड़ा सूखा टेक्सचर रखा है। और वो धनिया जो मैंने लास्ट में डाला था वो सही किया क्योंकि वो धनिया ना अगर पहले डाल दो ना तो उसकी सारी फ्रेशनेस वगैरह सब निकल जाता है। और मैक्रोनी अच्छे से बॉयल हुआ है, जो मस्टर्ड सीड्स का टेस्ट आ रहा है ना वो अमेजिंग है। तो मुझे मस्टर्ड सीड्स पसंद है किसी भी स्टाइल के पास्ता में, इंडियन स्टाइल हो, वाइट हो, कोई भी। तो अब मैं इसे खा के मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे ना छत पे मैं मम्मी के साथ कपड़े डालने आई थी और ये देखो गर्मी आ चुकी है और ना हमारे फूल वगैरह जो एकदम मुरझा गए थे ना सर्दियों में वो एकदम खिल गए हैं। और ये टमाटर का पौधा हमने लगाया था, देखो ये छोटे छोटे से टमाटर आ रहे हैं यार, ये भगवान करे ये बिल्कुल लाल लाल हो जाए। मैं इसकी चटनी बना करके आप लोगों को ज़रूर खिलाऊंगी। और ये है कड़ी पत्ता, ये भी बिल्कुल मुरझा गया था, इसमें भी फूल आने लग गए हैं। टचवुड ये सारा अच्छे से खिल रहा है
और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने हैप्पीनेस प्लांट्स को देख करके। यहाँ पे कपड़े डाल रही है मम्मी, और मम्मी को प्लांट्स में पानी डालना बहुत अच्छा लगता है, प्लांट्स की केयर करना बहुत अच्छा लगता है। और ये बाकी कपड़े भी हम लोग डाल देंगे। उसके बाद ये ना मम्मी ने गोभी का सुखौता बनाया है, जो लोग बिहार से होंगे वो जानते होंगे। मम्मी ने ना गोभी को माला में डाल के धूप में डाल दिया, और मेरे पैर बहुत ज्यादा जल रहे थे, कुछ भी शो मैं यहाँ पे साइड में आ गई। मैं और मेरी दीदी किसी काम से बाहर चले गए थे, तो अभी शाम हो रही थी, हम लोगों ने चाय पी रहे हैं, नमक पारे खा रहे हैं, और दिन में हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया क्योंकि मैक्रोनी खा गए थे ना, पेट भरा हुआ था, सही नमक पारे। और गर्मियों में ना चाय पीने का अच्छा लगता है मन, बट वो वाइब्स अलग आती हैं। और उसके बाद ना मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बड़ी धमकी दी है कि अगर तुमने अभी कान के नहीं पहने तो देखना मैं क्या करूँगी। अरे ये बंदी अच्छी लग रही ना, बिंदी, सॉरी बंदी कह रही हूँ, बिंदी। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको चाय पीने के बाद। अभी बज रहे हैं 7, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या व्लॉग कर रही हूँ, अभी तक मैं कुछ रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रही, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक्चुअली कुछ हो भी नहीं रहा है। तो अभी 7 बजने वाले हैं, और हम लोगों ने डिनर में सोचा है कि हम चाप बनाएंगे, मसाला चाप। और ये मम्मी सुबह के लिए सब्जियां काट रही हैं, ये सोफ़ा आगे खिसक रहा है, ये रहा सब्जी कट रही है सुबह के लिए। और ये रही मेरी मम्मी, तो मम्मी हाय बोल दो। ये तो ये मम्मी ने आपको हाय कर दिया है, एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब कर देना अभी। तो चलो मैं आप लोगों को चाप बनाने की रेसिपी बताती हूँ, चलो। तो चाप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज लिए हैं, उसको मैं यहाँ पे कद्दूकस कर लूँगी, ये साइज़ के प्याज हैं, उसको आप कद्दूकस कर लो। और कद्दूकस करने से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, एकदम मस्त बन जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने रेड वाली चाप ली है, उसको भी मैं यहाँ पे छोटे छोटे काट लूँगी, ज़्यादा बड़े पीसेज मुझे नहीं पसंद चाप में, छोटे ही पसंद हैं। और उसको अच्छे से तल लेंगे, फ्राई करने में और तलने में फ़र्क होता है। मेरे पास कम क्वान्टिटी की चाप है, ये 250 ग्राम चाप है, तो इसलिए मैं इसे इतने से तेल में तल रही हूँ। आपके पास ज़्यादा हो तो आप तल लो अच्छे से, चाहे बैचेस में करना पड़े चाहे किसी में भी, तलने में ही वो स्वाद आता है, वरना ना वो फिर ऐसे शैलो फ्राई करने में मुझे नहीं आता, आपको आता होगा तो ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक प्योरे पीस लूँगी, तो मैंने यहाँ पे कुछ गार्लिक क्लव एंड देन जिंजर, 3 लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, जीरा लिया है। और उसके बाद एक तरफ मैंने वो पीस लिया, तब तक मैंने यहाँ पे 2 आलू, मैंने ये 2 टमाटर डाल करके मसाला पीस लिया है। इसमें मैंने लौंग, 1 लौंग, 1 हरी इलायची डाली थी जो कि मैं दिखा नहीं पाई थी। और ये मैंने चाप फ्राई कर लिया, और ये मैंने आलू को भी अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है, बड़े बड़े पीसेस रखे हैं, छोटे छोटे मेरे को भुजिया थोड़ी बनानी है तो मैंने बड़े बड़े पीसेस रखे हैं। और बस यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन कर ली, यहाँ पे मैंने वो क्या कहते हैं इसे, प्याज को भी कद्दूकस कर लिया है, बेवकूफ हूँ मैं। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आलू वो चाप की सब्जी पसंद है नहीं पसंद है, मेरे घर में तो लोगों को बहुत पसंद है। और यहाँ पे दिल्ली में ना गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पे ना सर्दी भी बहुत तगड़ी पड़ती है, गर्मी बहुत तगड़ी पड़ती है, इस वजह से ना फेस का ना हालत थोड़ी ऐसी हो गई है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे एफर्ट्स को, प्लीज़ कर दो। तो यहाँ पे मैंने सेम उसी तेल में जीरा डाल लिया है, और उसके बाद मैं इसको ना डाल दूँगी प्याज को, जब तक इसे फ्राई करना जब तक वो चावल की तरह ना खिले खिले नहीं हो जाए, उसका तेल जब तक अच्छे से निकल नहीं जाए, मतलब उसका पानी अच्छे से नहीं निकल जाए तब तक, और एक चावल की तरह ना अलग अलग नहीं हो जाए। तो बस मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है, और इसको मैं ढक दूँगी, तो भाप से ना वो एक पेस्ट टाइप का बन जाएगा। उसके बाद मैं सारा मसाला डाल दूँगी, और उसको भी अच्छे से पकने दूँगी। इसको मसाला डालने के बाद ना इसी में मैं सारे सूखे मसाले भी डाल दूँगी इसी वक्त, जैसे कि धनिया पाउडर। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है, हल्दी के बाद तीखा वाला लाल मिर्च, क्योंकि कश्मीरी मिर्च से ना मम्मी को कश्मीरी लाल मिर्च पसंद नहीं आती है नॉर्मली सब्ज़ी में, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने तीखा वाला लाल मिर्च डाल दिया है, गर्म मसाला डाल दिया है, और उसको मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक इसका तेल नहीं निकल जाता, हमें एकदम तेल निकालूँ सब्ज़ी बनानी है, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्लिट की हुई 3-4 हरी मिर्च डाल दी है, मुझे बहुत पसंद है ऐसे अलग से खाने में। उसके बाद मैंने यहाँ पे नमक भी डाल दिया है, एज इट इज़ जब मैं टमाटर डालती हूँ तभी मैं नमक डालना प्रेफर करती हूँ अलग से। तो जब तक मेरा मसाला हो रहा है तब तक मैं मम्मी से ना ऑयलिंग करा लेती हूँ, आज काफ़ी टाइम बाद मम्मी मेरी ऑयलिंग कर रही है,
अरे नहीं, कर दो, उससे कुछ नहीं होता। मम्मी कह रही है कि अगर ऑयलिंग किया ना अभी तो फिर व्लॉग अच्छा नहीं आएगा, बट मुझे पता है कि तो आप लोग बहुत प्यार देंगे। मम्मी ठीक से बैठो, नहीं मम्मी बना, मम्मी करो ना, सब देख रहे हैं। नहीं प्लीज प्लीज कर दो, मैं ये पल कैप्चर करना चाहती हूँ। मैंने कहा था मेरी मम्मी व्लॉग के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, मेरे बोलोगे ना मेरी मम्मी व्लॉग में नाचना है एक टांग पे, मम्मी वो भी कर देंगे। मम्मी मेरे व्लॉग से इतना प्यार करती है, क्या कहूँ मैं। फिर वो वाला तेल ले आती ना, नहीं यही लगा दो मम्मी ना, पहले मुझे ना प्रमोशन हो रहा है गाइस, यही ऑयल लगाती थी और काफ़ी टाइम बाद में मम्मी से लगवा रही हूँ, वरना मैं खुद ही लगाती थी जब स्कूल कॉलेज मतलब स्कूल टाइम था ना, तब मम्मी मेरी रोज़ चोटी कर करके भेजती थी। तो अभी वही लम्हा जीते हैं, और ये मेरी दीदी, क्योंकि दीदी ने मेकअप नहीं किया इसीलिए वो नहीं आएंगे हमारे व्लॉग में। मेकअप किया है। अरे वाह दीदी, तो थोड़ी सोनी सोनी लग रही है। तो चलो अब हम थोड़ा अपनी खातिरदारी का मजा लेते हैं और दीदी को कहते हैं वीडियो बनाने को। करवा ली है और मम्मी ने देखो मेरी स्कूल टाइम जैसी एकदम कसकस की चोटी कर दी है। तब हम चलते हैं अपनी सब्जी की तरफ, देखते हैं कैसे हो रही है। यहाँ पे लाइटिंग पता नहीं कहाँ है यार। ओ भाई लाइटिंग, आंखें खुली हैं मेरी। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ। पता है क्यों क्या हुआ, मैं फेस से आई, फेस से मैं धूप में आ रही थी बहुत ज़्यादा, आते ही मैंने ठंडा पानी पी लिया। मैंने ना दीदी को कॉल करके बोलती थी दीदी मैंने फ्रिज में पानी रख दियो, ठीक है। तो ना जैसे ही आई मैंने ठंडा पानी पिया ना, तो वो सर्दी गर्म हो गया और मम्मी ने मुझे बहुत झाड़ लगाई कि क्यों पिया, तबियत खराब हो जाएगी। और सेम मेरे साथ वही हो रहा है, मेरी तबियत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, बट फिर भी मैं आपके लिए खड़ी हूँ, मुझे सपोर्ट करो गाइस। और मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार। उसके बाद जैसे ही मसाला भुन गया है वैसे ही इसमें मैंने आलू और चाप डाल दिया है। अगर लोग बिहार से तो नहीं पता होगा आलू चाप इसको नहीं कहते, बटाटा वड़ा को आलू चाप कहा जाता है, जो आलू के चौके को बेसन में लपेट के बनाते हैं, पर ये अलग आलू चाप है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेशली कट कोरिएंडर डाला है मैंने, और उसके बाद मैं इसमें जितना पानी मुझे लगेगा उतना मैं इसमें डाल दूँगी। तो कमेंट सेक्शन में बताना आपकी आपको सब्जी की रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी। मुझे लगी मेरी सब्जी रेडी हो गई है, चावल रेडी हो रहा है और रोटी बनेगी, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। और मुझे ये बोलना था कि जो लोग मेरे कॉलेज वगैरह की वीडियोस देखते हैं वो प्लीज़ मेरे डेली व्लॉग्स भी देखा करो, और जो लोग डेली व्लॉग्स देखते हैं वो कॉलेज की वीडियोज़ भी देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, बहुत देख के चले जाते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो। एंड ये कि मेरी आवाज़ मतलब मेरी ना तबीयत वैसे ख़राब नहीं है, बुखार बुखार नहीं हो रहा है मेरे को, पर ना वो गले में ना खांसी सा और छिल गया है पूरा, और वो मुझे पता है क्यों हुआ है, वो मेरी गलती से हुआ है। हम लोग अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं, फिर जब हम लोग खुद वो चीज़ भुगतते हैं ना तो फिर हमें रियलाइज़ होता है। और जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मेरे फेस पर पूरा से झलक जाता है कि मेरी तबीयत ख़राब है। कोई बात नहीं। एंड हाँ, मैंने आप लोगों को कॉलेज वीडियोज़ काफ़ी बार दिखाई, बट मैंने आपको पूरे कॉलेज भ्रमण नहीं कराया, तो मैं इस बार कॉलेज भ्रमण करवाऊंगी अपना। एंड चलो मैं भी जा रही हूँ, मेरे को बुला रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे मेरी चाप की सब्जी आ चुकी है, इसका ग्रेवी आप देख रहे हो कितना थिक है और कितना टेम्प्टिंग लग रहा है। और ये आलू को देखो, ये जो मैंने तला था ना इसके वजह से ये जो एक ब्राउननेस आ रहा है ना, एक फ्राई किया हुआ वो। और यहाँ पर है ये घी में लगा हुआ फुल्का और सिंपल राइस, और प्याज के बिना डिनर कैसे कंप्लीट होगा। तो फिर ये मेरा डिनर आ चुका है, मैं पहले रोटी के साथ खाऊंगी। एकदम सॉफ्ट रोटी है ये, पहले हम चाप लेंगे। ये देखो तो यहाँ पे ना चाप के अंदर तक जो मसाले गए हैं ना, मजा आ गया एकदम। और जो ये ग्रेवी है ना इसको मैं एक बार टेस्ट कर देती हूँ, बिल्कुल भी तीखी नहीं है, बिल्कुल भी मीठी नहीं है, एकदम बैलेंस है, नमक वगैरह सब बैलेंस है। और इसके साथ जो मैंने मोटा सा आलू डाले ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम डाले चाप में आलू, तो इसको भी खाते हैं और वही प्याज के साथ खाऊंगी इस बार।
आलू फ्राई करने की वजह से ना एक वो टेक्सचर आता है ना जो आलू चाट वाला होता है, जो तवे वाली होती है टिक्की के बगल में, वैसा। अब खाएंगे हम चावल के साथ और ये मिर्च भी। मैं ना पूरी चाप खाऊंगी इस चावल के साथ, बिकॉज आई लव चाप एंड चावल। जल्दी जल्दी मैंने मैंने गरम चावल मुंह में इतना सारा डाल दिया, तो बहुत सही डिनर बनाया। मैं मिलती हूँ आपको डिनर करने के बाद झटाक से। तो मैं यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद ना बर्तन साफ करने आ गई थी। मुझे ही धोने थे तो मैं ही साफ करूँगी ना, और किचन मेरे को साफ करना था, तो किचन बहुत ज़्यादा फैल गया था। जब भी मैं कुकिंग करती तो किचन हमेशा फैल जाता। बस मैंने बर्तनों को एक साथ इकट्ठा करके और उस पर जो पानी सूख जाते हैं ना बर्तन आजकल गर्मियों में, तो मैंने उसमें पानी डाल के सारे बर्तनों को मैं इकट्ठा करके धो लूँगी। सारे बर्तन धोने के बाद एकदम किचन मैंने एकदम नए की तरह साफ सुथरा कर दिया, फ्लोर साफ कर दिया, बर्तन सारे साफ करके एकदम चमक रहे। लाइट खत्म हो चुका है और मैं अपना आराम करने आ गई हूँ। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई नो थोड़ा पॉइंटलेस वीडियो था ये, एंड कोई बात नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम आईडी पे जाओ, मुझे फॉलो करो खुशी सिन्हा 6602, एंड ऑफ कोर्स मेरी वीडियो को प्यार करते रहो। कमेंट सेक्शन में तो आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, एंड स्टे विद मी, स्टे विद किसी ब्लॉग्स। बाय बाय।